हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सुबह का बज रहे हैं 4:15 और मैं नहा के आ गई हूँ। और जानते हैं, आज बहुत थोड़ा सा ठंड लग रही थी तो मैंने स्टॉल लिया और थोड़ा सा डाल लिया स्टॉल, क्योंकि थोड़ा सा नहा के आओ ना इतना जल्दी तो ठंड तो थोड़ी सी लगती है। और यहाँ पे बाल वगैरह थोड़ा सा कंघी करूंगी, उसके बाद तो पूजा करने जाऊंगी। और आज आंवला नवमी है तो थोड़ा सा काम भी ज्यादा है, क्योंकि आंवला वाला जो पूजा है वो इष्टा पूजा हमारा होगा। तो यहाँ पे सारे दिया में हमने, मतलब जो घर पे रोज हमने कंटिन्यू रोज जलाना जो रहता है उसको हमने जलाना इष्टा तैयारी पूरा कर दिया है। और ये जो आंवले है ना, ये 11 आंवला हमने थोड़े बड़े साइज में ले लिया है। और इसको थोड़ा थोड़ा सा कट करके इसे, मतलब एक दीपक का रूप दूंगी, मतलब हमें इसके दिया बनाना है। तो इस तरह से चाकू की सहायता से हम इसे कट करेंगे और दिया बना लेंगे। और सारे को इस तरह से काटते हुए जाएंगे फ्रेंड्स, और हमारे जो 11 आंवले हैं उसे हम काट कर ले। और आज जानते हो चमत्कार, मतलब क्या हुआ, मार्केट में जब गई थी कल तो मुझे बिल्कुल भी आंवला नहीं मिले थे। मैं 3 जगह गई आंवला ढूंढने, तब जाके मुझे आंवला मिला। और उसके बाद आंवला का जो पेड़ है मुझे ढूंढना था, वो तो मुझे मिला नहीं। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम आंवलों को पहले मैं थोड़ा सा पूजा कर देती हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे आंवले में थोड़ा सा सिंदूर और इसमें चंदन लगा देती हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा मंदिर में ही सारी तैयारियाँ करके फिर बाहर जाऊँगी लेकर, क्योंकि यहाँ पे ना जो तुलसा माता के पास ही कर दूंगी, ताकि वहीं पे तुलसा माता को भी दिया हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लगा रखा है तुलसा माता, और यहाँ पे सारे दिए जला दिए। और इसके बाद अभी अंधेरा है तो क्या करूँगी ना, जहाँ जहाँ मुझे दिया रखना है ये आंवले वाला, वहाँ रख दूँ। और बाकी जो तुलसा माता का 2 प्लेट में हमने चला रखा है यहाँ पे कर देती हूँ। तो सभी घरों में, जैसे सारे घर में, जैसे गेट के बाहर भी लगा देती हूँ 1-2 दिया, और इसके बाद दरवाजे के सामने, मंदिर के सामने, प्लस अपनी मंदिर में, अगर आपके घर के पास है मंदिर है किसी भगवान जी का तो वहां पे आप भी ले जा सकते हो। बट मेरा थोड़ा मंदिर दूर पड़ता है तो मैं सुबह सुबह नहीं जा रही हूँ। और इसके बाद सभी जगह पे दिया जो रखना था रख दिया, मंदिर में भी लास्ट था, यहाँ पे भी रख देती हूँ, मंदिर के दरवाजे पे रख देती हूँ। तो ये था फ्रेंड्स आज का। और ये हमें आंवला का वृक्ष भी नहीं मिला था, मतलब आंवला का पेड़ भी नहीं मिला था। अब किसी के घर में अंदर है तो वहां जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, तो मैंने क्या किया, ये प्लेट में सभी आंवले को रख लिया था और उससे उसी आंवले का पूजा करके वहीं पे कर दिया पूजा। सुखी और सुरक्षित होंगे। और आंवला नवमी का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने कल ही जैसे सारी तैयारियां कल ही कर ली थी, जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना। और हाँ, छठ का दूसरा दिन था तो हमारे यहाँ आंवला ही नहीं मिला था। मैं बहुत ज्यादा ढूंढी, बहुत चक्कर काटे, मतलब है जहाँ सब्जी मार्केट लगता है 3 जगह जब मैं गई तो वहां पे मुझे एक दुकान पे सिर्फ, पहले मुझे 250 ग्राम मिला। तो मैं क्या करी, इनसे बोली कि नहीं जी, इसको छोड़ के मुझे ले जाना है, इसको मैं ले लेती हूँ, अगर मिलेगा तो ले लेंगे आगे। 250 ग्राम आंवला हमने लिया। और उसके बाद फिर वापस दूसरी मंडी में गई जहाँ पे सब्जी मार्केट लगता है, तो वहां पे मुझे एक दुकान पे मिला, बहुत सुंदर सुंदर आंवला था। लेकिन जो पहले हमने 250 ग्राम लिया था ना, बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन ये था भाई, कल आंवला नवमी है तो मुझे देना ही था तो ले लिया था। आंवला नवमी में सुबह सुबह जल्दी उठिए और अंधेरे में ही दिया जला दीजिए, जैसे 5 बजे तक आप जोत बत्ती कर दीजिए। खैर, मेरा पूजा हो गया है कंप्लीट, अभी बच चुके हैं 7:30। मैंने पहले तुलसा माता का और आंवला नवमी का सब कंप्लीट करके उसके बाद घर में गई। घर में थोड़ा सा ज्यादा देर लगता है, आजकल तुलसा माता में बहुत ज्यादा देर लगता है, 4-5 भजने बोलो, कहानियां बोलो, 4 सा पढ़ो, टाइम लग जाता है। तो 7:30 हो रहे हैं, उठ जाती हूँ फ्रेंड्स। आजकल तो 4:45 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि अगर इतना जल्दी नहीं उठेंगे 4:45-3 तो फिर 5 बजे तक तो पूजा करना संभव बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। घर का सब काम करके उसके बाद पूजा कर लेती हूँ। और आज और इसके बाद क्या किया, हमने बात रह गई थी अधूरी, अब उसके बाद मैंने क्या किया, प्लेट में आंवला रखा और उसमें सारे पूजा आंवला का कर दिया जाए जिसे पेड़ पे हमें करना होता है। तो उस तरह से मैंने किया और उसी का हमने परिक्रमा कर लिया जो आंवला हमने प्लेट में रखा था।
जो नहीं मिलता है तो क्या करें फ्रेंड्स, अपने आप ही नियम कानून बनाना पड़ता है कभी कभी। तो हमने उसी आंवले से पूजा कर ली जिन जो हमने प्लेट में लगा रखा था, मतलब दिया वाला नहीं, दिया वाला अलग था, जिसका हमें आंवले का पूजा करना था ना, उसका मैंने पूजा वगैरह कर लिया। रेड कपड़ा था हमारे पास, पीला नहीं था, तो मैंने रेड कपड़े ही उन्हें डाल दिया था। अब फ्रेंड्स 7:30 हो रहे हैं सुबह का, तो मतलब पूजा वगैरह करके 7:30 हो चुके हैं। और मैं अब कपड़े मेरे जब कहीं जाते हैं ना तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, दिमाग खराब होने लगता है, और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े प्रेस करना है। तो घर में ये बोल रहे थे कि मतलब तुम इतनी ज़्यादा पूजा करने लगी हो कि घर का काम छोड़ दे रही हो। भाई एक कार्तिक मास सिर्फ एक महीने का होता है, तो क्या एक महीना थोड़ा सा काम घर का इधर उधर कर देते तो कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, लेकिन कार्तिक माह महीने में 4 बार नहीं आता है, एक ही बार आता है। मैंने कहा भाई अलमारी आप लोगों ने उथल पुथल किया है तो सेट तो मैं ही करूँगी, लेकिन आप इस तरह से मत कहिए कि पूजा पाठ में ज़्यादा समय दे रही हो वगैरह वगैरह, ये सब मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता कि मतलब हम कुछ कर रहे हैं तो आप टोको, ये फिर मुझे पसंद नहीं आती। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम अपना अलमारी ठीक कर लो। तो इनका था नाइट ड्यूटी, तो आगे कमरे में प्रेस कर रही हूँ, बैठ के थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी चक तकते पे बैठ के, लेकिन हो गया। और इनका नाइट ड्यूटी था, ये सो रहे थे रूम में तो नहीं हो पा रहा था। अब देखिए अलमारी का नक्शा बदल गया, हमने सेट कर दिया है, जब भी कहीं जाओ ना तो उथल पुथल हो जाता है। अब फ्रेंड्स बज चुके हैं 9:30, तो अब खाना बनाने चलती हूँ। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें हटा देते हैं, जैसे पेपर पड़ा तो पेपर रख देती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स दिनचर्या अपना जो है ना चलता रहता है। तो अब 9:30 बज चुके हैं जैसा मैंने कहा, तो चलिए किचन में बनाते हैं खाना। और हाँ आज थोड़ी सी ना ये जो हरी मिर्च होती है मोटी वाली वो ले आए थे, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। वैसे तो खाने में बनेगा आज नमूना चावल बनाने वाली हूँ, अभी मशीन में मैंने कपड़े भी नहीं डाला था, तो मशीन में कपड़े डाल दिए और आ गई हूँ किचन में। अब मैं क्या करूँगी, पहले तो किचन सेट कर देती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद में बनाऊँगी नमूना चावल, और लास्ट में बनाऊँगी हरी मिर्च जो मैंने कहा ना कि रेसिपी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। ये जो बनाती हूँ ना हरी मिर्च, ये बहुत टेस्टी बनती है, जैसे आप कलौजी वगैरह बनाते हो ना बिल्कुल वही टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो आप कभी उसे ट्राई करिएगा, मतलब मैं बताती हूँ रेसिपी। तो पहले मैं खाना बना के रख देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई रेसिपी डालना होता है तो उसमें समय तो लगता है वीडियो बना के काम करने में, तो क्या करती हूँ पहले खाना बना के रख देती हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि भाई वीडियो के चक्कर में भूख लग रही है। तो चलिए पहले खाना बना के रख देते हैं। तो नमूना हमने छौंक दिया है, तो नमूना को थोड़ा सा समय लगता है अपने से 20 मिनट तक कम से कम लग जाते हैं भुनने में। जब भी आप नमूना बना रहे हो अगर थोड़ा सा लापरवाही हम भुनने में कर देते हैं नमूना को ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है, सारा मेहनत वहीं पे बेकार हो जाता है। तो फ्रेंड्स नमूना को भुनने में बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए और आराम से इसे भुनिए, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। हमारे यहाँ अब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर मटर भरपूर मिलने लगा है, तो अब क्या करेंगे ना, ये 1-2 दिन गैप करके हमारे यहाँ नमूना ही बनता है, सबको बहुत पसंद है, और मतलब मैं भी खाती हूँ, सब लोगों को बहुत पसंद है, पूरे परिवार खाते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं इतना रहता है कि ये बनाना है वो बनाना है, नमूना चावल रोटी बना देती हूँ, सैलेड कट कर देती हूँ, बस हमारा खाना हो जाता है। तो 1-2 दिन गैप करके हमारे यहाँ नमूना बनता है। चलिए बना लेते हैं हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आपने देखा कि हमने ले लिया है, अच्छे से धुल के पोंछ लिया है, और 4 चम्मच धनिया ले लिया है, और उसके अलावा ये ले रहे हैं सौंफ, 1 चम्मच सौंफ ले लिया है। थोड़ा सा पहले इसे भून देते हैं और थोड़ी सी डालेंगे जीरा, जीरा बहुत ही थोड़ा सा, अजवाइन भी डाल रही हूँ थोड़ी, आधी चम्मच ही, और इसे भी थोड़ा भून लेंगे। 2 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ, आप अगर तीखा नहीं पसंद करते हो तो इसे स्किप कर दीजिए। खाने में फ्रेंड्स जब अच्छा बनाते हैं परिवार भी खुश हो जाता है, अपना मन भी बहुत पसंद होता है कि हाँ आज बहुत टेस्टी खाना बनाया और कुछ नया ट्राई किया। इस तरह से करते रहिए और परिवार वालों को खुश रखना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमें तो भाई खाना ही बनाना रहता है, घर का काम रहता है। तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो मिर्च हमने धो के सुखा के रखी है, मतलब पोंछ दिया है अच्छे से, पानी बिल्कुल बीच में नहीं लगा है, अब इसे बीच से इस तरह से चीरा लगा देंगे। तो देखा मैंने कहा ना, बिल्कुल जैसे कलौजी बैंगन बनाते हो भरवा, उसी तरह से इसे हमने चीरा लगा लेना है।
बस हमने सारे बैगनों में, इसमें सॉरी सारे मिर्ची में चीरा लगा दिया है। अब इसे क्या करेंगे ना, जो मसाले हमने रखे हैं ठंडा होने के लिए, इसे पीस देते हैं। तो मसाले पीस देते हैं, मसाले हमने डाल दिया। और ये डाले आम की खटाई, अगर आपके पास आम की खटाई नहीं है ना तो आप आमचूर ले लीजिए या तो नींबू का रस डाल दीजिए। अचार का मसाला भी ऐड कर सकते हो। तो नमक डाल दिया है, बस यही है इसमें। अगर हाँ लहसुन प्याज खाते हो तो लहसुन प्याज भी डाल दीजिए, जैसे थोड़ा सा लहसुन ले लिए, दो चार कलियाँ, आधा प्याज ले लिए, तो मसाले में थोड़ी सी नमी आ जाती है, तो भरते हैं ना तो वो गिरता नहीं है। लेकिन इन दिनों मैं लहसुन प्याज नहीं खा रही हूँ, तो इसमें मैंने स्किप कर दी हूँ, नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, अगर आप खाते हो तो पीसते समय डाल दीजिए। सभी मसालों को मिला देंगे, धनिया की पत्ती थोड़ी सी ऐड कर दिए। अब हम मिर्ची भर देते हैं इसमें, मतलब मिर्ची में मसाला भर देते हैं। ठीक है, बस इसी तरह से सभी मिर्चियों को हमें भर देना है। एक चम्मच उठाइए और इस तरह से कर दीजिए, ये बहुत आराम से भरा जाता है फ्रेंड्स। इसमें बीज भी बहुत कम होते हैं, इसलिए ये अंदर से बिल्कुल खोखला रहता है। जब मसाला बनाइए ना तो थोड़ा सा ज़्यादा बनाइएगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा मसाला लगता है। जैसे बैंगन वगैरह, जैसे मैंने कहा कि बैंगन जैसा ही, तो बैंगन में मसाले कम लगते हैं, लेकिन ये खोखला होता है तो इसमें थोड़ा मसाले ज़्यादा लगते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ही बैगन मिर्ची मेरी थी, इसमें हमने 4 चम्मच धनिया लिया था। सारी मिर्ची भर दिए, पैन रख दिया उसमें डाल के, और हम डाल थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि अच्छे से ये जले भी ना और पक जाए बढ़िया। बस इसी तरह से इसे उलट पुलट करके हमें सेक लेना है। और तो आप देखते हो ऑयल भी इसमें बहुत कम हमने तेल ऐड किया है, बिल्कुल भी ज़्यादा तेल ऐड नहीं करा था, और बहुत अच्छे से हो चुके हैं। चलिए अब गैस बंद कर देते हैं और कर देते हैं इसकी प्यारी सी प्लेटिंग। अब इतनी अच्छी टेस्टी रेसिपी है तो चलिए प्लेटिंग तो बनता है। तो आप देख सकते हो अच्छी सी प्लेटिंग कर दिया और सभी मिर्ची को निकाल, देखने में भी सॉफ्ट लग रहे हैं कि हो चुके हैं। फ्रेंड्स आज का वीडियो थोड़ा सा भी थोड़ा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा।